का पंचदशम वामनकम कृत्वा गादंबरद्वरम बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सो स्त्रविपष्टतम। जरा विचार करिए, पंद्रवा अवतार भगवान वामन का अवतार है। अब ये पंद्रवा अवतार भगवान वामन का अवतार बड़ा अद्भुत अवतार है। वामन की कथा हमने और आपने सबने सुनी। वामन की कथा में क्या है कि राजा बलि के पास में वामन देव जी भगवान गए, उन्होंने अपनी याचना की, मुझे तीन पग भूमि चाहिए, और तीन पग भूमि है बारा, बारा, वामन भगवान ने राजा बलि को बांध लिया और ऐसा बांधा कि उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड और तीसरे पग में राजा बलि के पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं अपने तीसरे चरण को, तो राजा बलि ने कहा अपने मस्तक पर रखिए। तो ये तीन चरणों की कथा है, ये बड़ी सुंदर कथा है। और इस सुंदर कथा में जरा विचार करिए, राजा बलि कौन? अब राजा बलि नाथ, अब राजा बलि को बांधने के लिए भगवान को याचना की आवश्यकता पड़ी। भगवान मार नहीं सकते थे बलि को, क्योंकि बलि धर्म के विपरीत काम ही नहीं कर रहा है। यह कथा भी बड़ी अद्भुत कथा है। राजा बलि कोई धर्म के विपरीत नहीं जा रहा। राजा बलि, एक व्यक्ति ने मुझसे शंका की और मुझसे शंका करके उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, भगवान के अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए होते हैं, बता भगवान के अवतार तो राक्षसों को मारने के लिए होते हैं, भगवान के अवतार भक्त को बचाने, भक्तों को बचाने के लिए होते हैं, साधु संतों को बचा, लेकिन ये भगवान का जो वामन अवतार हुआ ये क्यों हुआ, ये हमें समझ में नहीं आ रही। क्योंकि राजा बलि तो धर्म के विपरीत आचरण ही नहीं करता। राजा बलि का जब हम वृत्तांत को पढ़ते हैं तो राजा बलि बड़ा ही न्यायप्रिय राजा है। राजा बलि ऐसा राजा है जो न्याय के विरुद्ध कार्य नहीं करता, जो धर्म के विपरीत आचरण नहीं करता। अरे जिसकी प्रजा उसके राज्य में बड़ी सुखी है, साधु संत लोग सब जगह, ये हिरण्यकश्यपु के, देखिए नरसिंह का अवतार हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने तो ये जो है यज्ञ इत्यादि बंद करवा दिए थे और कहा था कि मेरी पूजा करो, केवल मेरे लिए यज्ञ करो। लेकिन राजा बलि तो यहां पर भगवान नारायण की ही उपासना करते हैं, राजा बलि तो यहां पर देवत्व की उपासना करते हैं, तो इनका अवतार वामन अवतार की आवश्यकता क्यों थी? जरा विचार करिए, वामन अवतार की भी आवश्यकता अगर हम इसको भगवान की कृपा की अवतार के रूप में देखें, ये भगवान का जो वामन अवतार हुआ ये भगवान का कृपा अवतार है। कृपा अवतार, हाँ, भगवान जिस पर कृपा करते हैं, भगवान जिसके ऊपर अपना, जिसको अपना बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, भगवान उससे उसकी जो सबसे प्रिय वस्तु होती है उसका हरण कर लेते। भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, हरिष्ये तद् धनं मयः, जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं तो सबसे पहले उसके धन का हरण करता हूं। जरा विचार करिए, अब यहां पर कृपा करनी है। अच्छा, कृपा में और दया में अंतर है, कृपा में और दया में अंतर है। दया में क्या है, बोले भगवान दया करते हैं तो व्यक्ति को छोड़ देते हैं, उसको सब कुछ प्रदान करके छोड़ देते हैं, जा भाई तुझे क्या चाहिए, अच्छा धन चाहिए, ले भाई धन ले जा, जा आनंद कर, तुझे मकान चाहिए, जा मकान दे दिया तुझे, जा आनंद कर, तुझे जो है दुकान चाहिए, ले दुकान में मैंने तुझे दुकान दे दी, व्यवसाय दे दिया, तेरी दुकान अच्छी से चलने लगी, ये वो, तू मेरे पास में मत आ, मेरे साथ में मत रह, ये भगवान की दया है। जरा विचार करिए, वो सुंदरकांड में बड़ा सुंदर आता है ना, सुंदरकांड में आता है कि रावण ने जब अपने दूत भेजे तो उस समय उन दूतों ने जब जासूसी की तो वह उनको पहचान लिया गया, तो वो जो है वो पकड़े गए, पहचान लिए गए, तो पकड़े गए तो उनकी मार लगी। अब जब मार लगी तो स्थिति क्या हुई,
बोले स्थिति ऐसी हुई कि जो है वो कोई कहे इनकी नाक कान काट लो, बोले लखनलाल जी ने जो किया सुपन घा के साथ में, बोले इनके नाक कान काट लो, कोई कहे नहीं नहीं एक काम करो इनको इतना, इन्होंने हमारे हनुमान जी महाराज की पूछ में आग लगाई थी, इनको मार के भेजो। तो बेचारे दूतों को लगा कि हम कहां फंस गए, हाँ तो उन्होंने तुरंत एक उन्होंने निर्णय लेकर के उन्होंने तुरंत एक आवाज लगाई, जो हमार हर नासा काना तेई कौशलाधीश जमाना। उन्हें कौशलाधीश की आन है, उन्हें कौशलाधीश भगवान राम की सौगंध है, जिन्होंने हमारे नाक कानों को हाथ भी लगाया तो दया लागी। उसी समय बोले क्या हुआ, दया को प्राप्त करके लखनलाल जी ने बुलाया, उन्हें छुड़ाया और छुड़वा करके उन्हें एक चिट्ठी दी और भेज दिया, जाओ। दया का अर्थ है कि भगवान आपके ऊपर क्या चाहते हो, मकान चाहते हो, अच्छा जाओ दया कर दी, मकान मिल गया। लेकिन कृपा में क्या करते हैं भगवान, जरा विचार करिए। दया में भगवान आपको दे करके छूट जाते हैं, लेकिन कृपा में भगवान छूटते नहीं है, भगवान बंधन में बंध जाते हैं। कृपा में भगवान छूटते नहीं है, बल्कि क्या होता है, बंधन में बंध जाते हैं। और इसका प्रमाण ये कृपा अवतार है भगवान। भगवान ने राजा बलि के ऊपर, राजा बलि को देवताओं ने अवतार लिया, बोले महाराज हमें बलि जीने नहीं दे रहा है। देवता इंद्रलोक पर जो है राजा बलि आसन हो गया, आसन जमा लिया इंद्रलोक, इंद्र को भगा दिया, और हट तू व्यभिचारी है, तू अनाचारी है, तू इस पद पर बैठने योग्य नहीं है। इतना बोले इंद्र भाग गया बेचारा, और राजा बलि ने यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए, हर जगह यज्ञ हो, पूजाएं हो, अर्चनाएं हो, वंदना हो। अब देवता लोग बोले नारायण के पास, बोले महाराज ये राजा बलि हमें जीने नहीं देता। भगवान ने कहा क्यों, अब उसने क्या कर दिया, वो तो उसने तो तुम्हारे से युद्ध भी नहीं किया। बोले महाराज क्या बताएं, बलशाली तो पहले से ही थे, और उस पर भी अब तो ये है कि वो आपका इतना यजन करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी अर्चना करते हैं, इतनी वंदना करते हैं, इतना धर्म का अनुष्ठान करते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती क्या उससे लड़ ले। अब भाई लड़ा तो उससे जाए जो धर्म के विरुद्ध हो। लेकिन राजा बलि का अवतार, बोले राजा बलि कौन है, बोले राजा बलि कोई साधारण राजा नहीं है, दैत्यों के कुल में भी होने के पश्चात यह है राजा बलि, सतो गुण को धारण करते हैं, भगवान नारायण का स्तवन करते हैं, धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते, न्याय के विपरीत नहीं चलते, अन्याय नहीं होता इनकी प्रजा में। अब भगवान ने, अब देवता बोले महाराज हमें तो हमें इंद्रासन चाहिए, इंद्र बोला हमें अपने ही जगह चाहिए, हमसे रहा नहीं जाता। भगवान ने कहा भैया करता हूं कोई व्यवस्था, लेकिन करना तो मुझे इसलिए भी है क्योंकि मुझे कृपा करनी है राजा बलि के ऊपर, क्योंकि वो मेरा अनन्य है, इंद्र तू मेरा अनन्य नहीं है, इसलिए भगवान इंद्रलोक में नहीं रहते, और भगवान का जहां लोक है वहां इंद्र जा भी नहीं सकता। भगवान कहे शंकर का जो कैलाश है वहां पर देवता लोग प्रवेश नहीं कर सकते, प्रवेश तब मिलेगा जब शंकर की इच्छा होगी, प्रवेश हो विष्णु लोक में नारायण के लोक में तब मिलेगा जब भगवान नारायण की इच्छा होगी। ब्रह्मलोक में ही तो साधारण देवता लोग आते जाते रहते, लेकिन नारायण लोक में कैलाश पर यहां पर तब ही प्रवेश मिलेगा जब यहां के मालिक चाहेंगे, जब यहां के स्वामी चाहेंगे, जब यहां के देव भगवान शंकर भगवान नारायण चाहेंगे, तभी देवताओं को विष्णु लोक में या कैलाश पर प्रवेश मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते हैं क्या है स्थिति, छोटा सा अवतार बनाया है, 5 वर्ष के वामन भगवान बने, और वामन भगवान बन करके 5 वर्ष के भगवान बन करके, और उस समय पर जरा विचार करिए वह राजा बलि के समक्ष पहुंचे, और राजा बलि के पास जाकर के उन्होंने 3 पग भूमि मानी। 3 पग का अभिप्राय जरा विचार करिए, 3 पग को बड़ा सुंदर विश्लेषण देव जो है संतों ने किया है, उसमें एक विश्लेषण बड़ा सुंदर, बोले 3 पग है 3 तत्वों का, 3 गुणों का प्रतीकात्मक, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। भगवान ने कहा कि तू मुझे 3 पग भूमि दे, 3 चरण दे,
बोले कौन से चरण है ये? यह चरण है सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। यह तीनों तत्व, तीनों गुणों को तू मेरे प्रति समर्पित कर दे। और वही किया भगवान ने। जब भगवान के प्रति जब तक आप तीनों गुणों को समर्पित नहीं करेंगे, सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमो, यहां तक अरे हम धन और दौलत तो हम समर्पित कर दें, आज के समय में तो खैर वो भी नहीं होता है, लेकिन वस्तुतः स्थिति ऐसी है कि हमको चाहिए कि हम भगवान के प्रति तीनों गुणों को समर्पित कर दें और भगवान के प्रति आश्रित हो जाएं। भगवान ने पहले पग में जो है पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने ब्रह्मांड को धारण कर लिया, तीसरे पग में को उन्होंने कहा कहां रखूं, तो राजा बलि ने कहा मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान ने जब अपने चरणों को, देखिए जरा विचार करिए, भगवान ने जब अपने चरणों को राजा बलि के मस्तक के ऊपर रखा, तो राजा बलि से कहा कि बलि तूने मुझे नहीं बांधा, वो मैंने तुझे नहीं बांधा, बल्कि तूने मुझे बांध लिया, बता क्या चाहिए। भगवान जब कृपा करते हैं तो ये वामन का अवतार, ये कृपा का अवतार है, ये ऐसा अवतार है कि हमें चाहिए हम अपने जो हमारे तीन गुण हैं, इन तीन गुण सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, हम भगवान के प्रति समर्पित कर दें। वामन अवतार तब होता है जब हमारे तीनों प्रकार के गुण, जब हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारा सारा कर्म, हमारा सारा धर्म, हमारा सारा मर्म भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ये भगवान का एक नया अवतार होता है। और तब भगवान वामन अवतार बन करके वामन के स्वरूप में भगवान हमारे हृदय में पधारते हैं और भगवान हमारे बंधन से जुड़ जाते हैं, युक्त हो जाते हैं। ये भगवान का वामन अवतार बड़ा सुंदर अवतार है, ये कृपा का अवतार है। और ऐसी कृपा, जरा विचार करिए, जिस कृपा में भगवान हमें मुक्त नहीं कर रहे, ये अगर हमने अपने जीवन के तीन गुणों को, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हमने तीनों गुणों को हमने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, जरा विचार करिए, इनमें हमारा शरीर तीन भागों में जुड़ा हुआ है, तीन भागों में, देखिए ये यहां से गर्दन से ऊपर मस्तक तक एक भाग, यहां से लेके और नीचे तक कमर तक दूसरा भाग, और कमर से लेके नीचे पैर तक तीन भाग, तीसरा भाग, ये तीन भाग, जरा विचार करिए, यह है तीन भागों के हमारे यहां पर तीन व्यवस्थाएं, ये गर्दन से लेकर के मस्तक तक ज्ञान का प्रतीकात्मक है, ज्ञान तत्व गर्दन से लेकर के ऊपर तक, ये ब्रह्म का प्रतीकात्मक है, ब्रह्मा का है, ब्रह्म ग्रंथि है, यहां विष्णु ग्रंथि है, और नीचे कमर में जो है हमारे यहां पर जो है वो शंकर रुद्र ग्रंथि है,